इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए जरूरी है कि उसकी मोनोमर यूनिट में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तब ही कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर का मोलर मास उसके मोनोमर यूनिटों से कम होगा क्योंकि कुछ छोटे मॉलिक्यूल उसमें बाहर निकल जाते हैं। तो हम देखेंगे कंडेंसेशन देखते हैं पॉलीएमाइड फाइबर कैसे बनते हैं। पॉलीएमाइड फाइबर में एमाइड बॉन्ड होता है जो NH2 और एसिड से बनता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है नायलॉन 66। नायलॉन 66 क्यों कहते हैं? दो लोग थे, एक न्यूयॉर्क का और दूसरा लंदन का। उन्होंने दोनों ने 6-6 कार्बन वाले दो कंपाउंड लिए जिसमें एक का नाम है हेक्सेन 16 डायमीन और दूसरे का नाम है एडिपिक एसिड। दोनों में ही 6-6 कार्बन थे इसलिए इसका नाम रखा नायलॉन 6। तो जब हम इन दोनों को हीट करते हैं तो इस एसिड का OH NH2 के H के साथ में निकल जाता है और H2O बना लेता है और दोनों आपस में एमाइड बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि ये बॉन्ड एमाइड बॉन्ड मल्टी टाइम्स होता है इसलिए इस फाइबर का नाम पॉलीएमाइड फाइबर रखा गया, ठीक है ना। और पॉलीएमाइड फाइबर या नायलॉन 66 का यूज हम करते हैं टेक्सटाइल में, फैब्रिक में, ब्रश बनाने में करते हैं, ठीक है ना। ये काफी स्ट्रांग होता है। नायलॉन फाइबर के लिए बोलते हैं कि नायलॉन फाइबर स्टील से मजबूत, एल्यूमिनियम से हल्के और टाइटोनियम से ज्यादा हार्ड होते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है नायलॉन 6। नायलॉन 6 में एक ही कंपाउंड रिएक्ट करता है जिसमें एक 6 कार्बन होते हैं इसलिए इसका नाम रखा नायलॉन 6। इसका हम यूज करते हैं टायर के कॉर्ड बनाने में और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियां बनाने में, मतलब माउंटेनिंग रोप्स बनाने में। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो इसका OH इसका जागता है और इससे रिएक्ट करके ये बना लेता है ऑक्सिम। ऑक्सिम में टॉटोमेरिजिम होती है और टॉटोमेरिजिम से ये कैप्रोलैक्टम में बदल जाता है। 12th क्लास के बच्चों के लिए कैप्रोलैक्टम से ही स्टार्ट होगी। वो हमसे कहेगा नायलॉन 6 बनाओ तो 12th क्लास के बच्चे यहां कैप्रोलैक्टम से ही स्टार्ट करेंगे। कैप्रोलैक्टम की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस से हमें नायलॉन 6 कंपाउंड मिलता है। बच्चों जब इसकी स्ट्रक्चर कभी आ जाए तो आप ध्यान रखना रिंग के अंदर 7 एटम होने चाहिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो जो पॉलीमर बना उसका नाम है नायलॉन 6 और यूज करेंगे माउंटेनिंग रोप बनाने के लिए, टायर और कॉर्ड बनाने के लिए। एक और पॉलीमर है जिसको हम नायलॉन 610 कहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं नायलॉन 610 कैसे बने। तो हम देखते हैं नायलॉन 610। नायलॉन 610 के लिए हमने क्या चेंज किया कि अमीन तो एज इट इज रखा जो नायलॉन 66 में था, केवल हमने एडिपिक एसिड में 6 कार्बन थे और उसमें हमने क्या किया यहां पर 4 कार्बन और बढ़ा दिए। तो अब टोटल कार्बन कितने हो गए? 10। सेम पहले ही OH और H निकलेगा और नायलॉन 610 बन जाए। ये एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गिवन। हम चलते हैं पॉलिएस्टर फाइबर की तरफ। पॉलिएस्टर का मींस है ऐसा फाइबर जिसमें कई सारे एस्टर लिंकेज हो और जनरली एस्टर ग्रुप अगर किसी में होता है तो बायोडिग्रेडेबल भी हो जाता है। इसमें फर्स्ट सीरीज का कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का यूज करते हैं पेंट और दीवार पेंट बनाने के लिए जिससे हम दीवारों पर रंग करते हैं। ग्लिप्टल बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इस इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन थैलिक एसिड के साथ में कराते हैं। हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। तो अल्कोहल का H और एसिड का OH मिलकर H2O बना लेता है और हमें ये पॉलीमर मिलता है जिसको हम कहते हैं ग्लिप्टल। और ग्लिप्टल में क्योंकि रिंग नीचे चेन से बाहर निकली हुई है इसलिए लिक्विड स्टेट में रहता है और पेंट की तरह यूज करते हैं।
अब हम चलते हैं पॉलिएस्टर में दूसरा पॉलीमर है जिसका नाम है डेक्रॉन और टेरालिन। इसको डेक्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल 10 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और बेंजीन रिंग में 6। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फिर से एसिड का तो OH और इस अल्कोहल का H निकल जाएगा, दोनों के निकलने से बीच में एसिड बन जाएगा। अब रिंग जो इस एग्जाम्पल में बाहर लटकी हुई थी वो अब इस चेन का पार्ट हो जाएगी, और जब रिंग चेन का पार्ट हो जाएगी तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और इससे हम बनाएंगे टायर की कॉर्ड्स, सीट बेल्ट, कपड़े और स्विमिंग सूट। प्लास्टिक का एग्जाम्पल, क्या हो गया यार, FMR, FRM, MFRM। हम बढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है UFR रबर, मतलब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूरिया का मॉलिक्यूल लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं। तो इस NH2 का H जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो आप देख सकते हैं ये OH हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला H जाकर इससे जुड़ जाएगा तो ये भी OH हो जाएगा, और बीच में ये यूरिया की यूनिट है, उसमें से दो H निकल चुके हैं। और जब इस यूनिट का पॉलीमराइजेशन होगा तो हमें मिलेगी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसका हम यूज क्या करेंगे, इसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल के ऊपर इंसुलेशन लगाने के लिए। अब हमारा कंडेंसेशन के बाद में लास्ट बचा है बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर वो है जिनको जो बायोडिग्रेडेबल है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर दें उनको हम बायोपॉलीमर कहते हैं। और इसका आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है PHBB। PHBB की फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड एंड को ब्यूटायरिक। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम दो कंपाउंड लेते हैं, पहला कंपाउंड है ये, ठीक है, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। इसको ब्यूटायरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 कार्बन है, और बीटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पर OH लगा हुआ है इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब हम दूसरा एसिड लेते हैं, उसका भी नाम बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक और पेंटेनोइक एसिड है। इसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा पर फिर से OH लगा हुआ है इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक और वैलेरिक एसिड बोलते हैं। अब जब हम इन दोनों यूनिटों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इस यूनिट का एसिड, मतलब इसका जो OH है वो जाएगा और दूसरे यूनिट के OH के साथ में रिएक्ट करेगा, और OH के केवल H के साथ, तो क्या निकल जाएगा, H2। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला OH तो दूसरे से रिएक्ट करेगा तो इधर आ गया, और इसका जो CH3 था उसको हमने नीचे लग दिया, फिर ये CH2 था जो एज इट इज लिख दिया, फिर CH2। अब जो ये CO है जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, ये देखो आप, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी यूनिट का O जो इस यूनिट से आया वो ये लग गया, और जिस कार्बन से ये जुड़ा था वो इथाइल ग्रुप था तो हमने इथाइल ग्रुप को नीचे लगा दिया और हमें मिल गया PHBB। PHBB एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और जिसका यूज हम बोन्स के ऑपरेशन में करते हैं, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन में करते हैं। इसमें इसके एक बने हुए कैप्सूल में दवाई भरकर, मेडिसिन फिलअप करके ऑपरेशन के टाइम अंदर छोड़ देते हैं, जिससे धीमे धीमे टूटता रहता है
और अंदर दवाई को रिलीज करता रहता है, जिससे हड्डी में कोई सेप्टिक नहीं डेवलप होता। इससे आगे के पॉलीमर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, सिर्फ एक नायलॉन 26 दिया है जिसकी भी स्ट्रक्चर नहीं दे रखी। तो हम पढ़ते हैं पॉलीग्लाइकोलिक और पॉलीलैक्टिक एसिड, ये हमारा हम सब जानते हैं ग्लाइकोलिक एसिड है और इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। जब हम पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो एसिड का OH और इस लैक्टिक एसिड का OH और एसिड का COH आपस में रिएक्ट करके एक एस्टर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो जिसमें भी एस्टर बॉन्ड होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा और हमें ये पॉलीमर मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है नायलॉन 26। नायलॉन 26 को बनाने के लिए हम एक यूनिट ग्लाइसिन लेते हैं और दूसरी जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं कैप्रोइक अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड का NH2 एसिड के साथ में रिएक्ट करके एमाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। तो NH एज इट इज रख दिया, CH2 एज इट इज लिख दिया, एसिड का खाली CO लिखा, इसका H हटा के NH लिख दिया, CH2 5 एज इट इज लिख दिया, तो हमें मिल गया नायलॉन 26। अब हम चलते हैं आगे। आगे के पॉलीमर एनसीईआरटी और किसी भी एग्जाम में नहीं आए, सिर्फ इनके कुछ कभी एक आध बार सिर्फ काम आए हैं, और वो क्या है, पहला लैक्सन। लैक्सन पॉलीमर बनाने, लैक्सन पॉलीमर का यूज क्या है, इससे हम बुलेट प्रूफ विंडो और हेलमेट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए डाइथाइल कार्बोनेट और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। यहां से दोनों की रिएक्शन होती है और दोनों यहां से निकल जाते हैं, तो 2 मोल एथेनॉल बन जाएंगे और हमें मिल जाएगा लैक्सेन। नेक्स्ट है नोमैक्स। नोमैक्स बनाने के, नोमैक्स का यूज है फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए। इसके लिए हम ये एसिड और ये अमीन देते हैं, दोनों की रिएक्शन होगी तो एसिड का तो OH और ऐसे ही अमीन का H निकल जाएगा और हमें नोमैक्स मिलेगा, ठीक है। अब आया केवलर। केवलर का हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। इसके लिए हम टर्थैलिक एसिड और इस अमीन का यूज करते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके इसका OH और इसका H निकालेंगे। पर आप केवल फंक्शन भी याद करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव में काम चल जाएगा। अब 2 कंडेंसेशन पॉलीमर और हैं जो मैं आपको, हम कंडेंसेशन का 7th पॉलीमर पढ़ने वाले हैं, एसीटोन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ज्यादा आता है पर ये पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जब हम एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो 3 मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से हमको मेसेटलेन पॉलीमर मिलता है। अगर हम इसकी जगह पर ड्राई HCl ले लें तो फिर हमको फोरॉन मिलता है, और अगर हम इसकी जगह 2 ही मॉलिक्यूल लें तो फिर हमको मैसेटिल ऑक्साइड बन जाता है। तो इस मैसेटलीन में क्या होता है, इसका ये जो O है वो दूसरे एसीटोन के CH3 में से 2H लेकर H2O बना देता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखो CH3, ठीक है ना, ये C था, C और इसके O में बॉन्ड बन गया, तो यहां एक डबल बॉन्ड आ गया, इस तरह पूरा मॉलिक्यूल बनता है। ये पेपर में आ भी चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, तो अगर आप सिर्फ इसको याद कर लें या ऑर्गेनिक में ज्यादा डिटेल में देखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और हम चलते हैं मोलर मास ऑफ पॉलीमर। हम चल रहे हैं मोलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मोलर मास निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास में हम क्या करते हैं, M1 यूनिट एक यूनिट का मास है और N1 उसके नंबर प्लस ये दूसरी यूनिट का वेट है और उसके नंबर, ठीक है ना। जैसे हम ब्यूना एस बनाते हैं तो ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन का मास और ब्यूटाडाइन की नंबर प्लस स्टायरीन का मास और स्टायरीन की नंबर, और हम ब्यूटाडाइन की नंबर और स्टायरीन की नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। जबकि वेट एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूटाडाइन के मास का स्क्वायर
ठीक है ना, इंटो उसकी नंबर प्लस स्टायरीन के मास का स्क्वायर इंटो उसकी नंबर डिवाइडेड बाय ब्यूटाडाइन का मास और उसकी नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस स्टायरीन का मोलर मास और उसकी नंबर के मल्टीप्लिकेशन को जोड़कर ऐड कर देते हैं तो हमें नंबर एवरेज मोलर मास मिलता है। तो हमने दो मोलर मास निकाल लिए। अब वेट एवरेज को अगर हम नंबर से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है उसको पीडीआई पॉली डिस्पर्स्ड इंडेक्स कहते हैं, और पीडीआई नेचुरल पॉलीमर के लिए हमेशा 1 होती है, लेकिन हम अगर उसी पॉलीमर को लैब में बनाते हैं तो उसकी वैल्यू या आर्टिफिशियल पॉलीमर की वैल्यू हमेशा पीडीआई की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, क्योंकि वेट एवरेज मास नंबर एवरेज मास से ज्यादा आता है आर्टिफिशियल के लिए। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, नंबर एवरेज मोलर मास पॉलीमर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हैं, और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो नंबर एवरेज मोलर मास इज कैलकुलेटेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बिकॉज इन दिस मेथड सब्सटेंस नाइदर हीटेड नॉर कूल, सो नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड एंड इट्स वैल्यू कम एग्जैक्ट, और इससे उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती। अब मैं देखता हूं 12th में क्वेश्चन कैसे आते हैं। 12th में आप देख सकते हैं बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इन पॉलीमर की यूनिट लिखो, तो पीवीसी की यूनिट क्या हो जाएगी? पीवीसी की यूनिट हो जाएगी विनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन की यूनिट लिखो, टेफ्लॉन की यूनिट हो जाएगी टेट्राफ्लोरोएथीन। और पम्बा की यूनिट लिखो, तो इसकी पी हटा दिया तो इसकी यूनिट हो गई मिथाइल मेथा एक्राइल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो हमसे कहता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की यूनिट का नाम लिखो, तो पीएचबीबी आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर 12th का बच्चा पीएचबीबी को याद करेगा तो उसको डेफिनेट एक मार्क्स मिल ही जाएगा। यहां पर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है चेन ट्रांसफर एजेंट क्या होता है। चेन ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? एक ओरिजिनल पॉलीमर की चेन को ब्लॉक कर देता है और नई चेन को स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर चेन ट्रांसफर एजेंट उस रिएक्शन को ब्लॉक कर दे तो पॉलीमर का मोलर मास कम हो जाता है, और तब इसको इनहिबिटर कहते हैं। और कॉमन चेन ट्रांसफर एजेंट CCl4 होता है। ये कॉम्पिटिटिव के लाइक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल चेन ट्रांसफर एजेंट का काम करेगा। तो CCl4 का काम होता है चेन को, एक चेन को बंद करके साइमल्टेनियसली दूसरी चेन को स्टार्ट करना। जब हमने स्टायरीन की रिएक्शन, स्टायरीन के फ्री रेडिकल की रिएक्शन CCl4 से करी, तो CCl4 के Cl ने इस चेन को ब्लॉक कर दिया, और जो CCl3 बना उस CCl3 ने एक नई चेन स्टार्ट कर दी। तो CCl4 को हम कहेंगे चेन ट्रांसफर। तो हम इस पॉलीमराइजेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इन एल्कीन। तो एल्कीन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे होती है हम देखते हैं। पॉलीमराइजेशन को हम इनिशिएट करने के लिए एक इनिशिएटर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड में यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड होता है, तो जब हम इसको हीट करते हैं या लाइट देते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, जिससे हमें एक फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज होती है, जिससे टूट कर एक अनादर फ्री रेडिकल बन जाता है C6H5, जिसको मैंने शॉर्ट में R या रेडिकल लिख दिया। अब ये फ्री रेडिकल जाता है और इस एल्कीन से रिएक्ट करता है। इस एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये रेडिकल जाकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये ग्रुप जो है वो डोनर होगा। डोनर क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आप देख सकते हैं अब चार्ज इस पर, अब ये फिर से फ्री रेडिकल बन गया है। तो अब ये फ्री रेडिकल एक नेक्स्ट यूनिट के साथ में रिएक्ट करेगा, और ये यूनिट ये हो गई। अब क्या होगा? फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH2 जाकर इससे जुड़ जाएगा, और फिर से स्टार्टिंग में फिर से आप देख सकते हैं CHG फिर फ्री हो जाएगा, और इस तरह ये पूरी कार्बन की चेन आगे प्रोसीड होती जाएगी। अब हमें रिएक्शन को स्टॉप करना हो तो
जब हमें रिएक्शन को स्टॉप करना होगा तो हम एक रेडिकल को दूसरी साइड से रिएक्ट करा देंगे, जो रेडिकल जाएगा और इस फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करके पॉलीमराइजेशन चेन को एंड कर देगा, या फिर हमने अभी अभी इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था चेन ट्रांसफर एजेंट, हम इसमें डाल देंगे CCl4 इस चेन को बंद करके नई चेन को स्टार्ट कर देगा और हमें एल्कीन का पॉलीमर मिल जाएगा। हम इस टॉपिक का लास्ट एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं कि ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देगा या एनायनिक। तो बच्चों, अगर किसी मोनोमर यूनिट में प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देगा, या फिर उसको एसिड के प्रेजेंस में कराए तो भी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होती है। लेकिन एनायनिक पॉलीमराइजेशन कब होगा? जब उसमें माइनस आई ग्रुप हो या उसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कराए। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए बेस होना चाहिए और कोई माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, जबकि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए एसिड या फिर कोई डोनर ग्रुप होना चाहिए।